समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है, ये किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए राष्ट्र एक जीवित आत्मा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लास्टीज देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब G20 सम्मेलन में पहुंचे, उन्होंने तमाम जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं उन सभी का स्वागत भी किया है गर्मजोशी के साथ। और G20 सम्मेलन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ था तो उनके आगे रखी हुई जो उनकी नाम की पट्टी थी उस पर भारत लिखा हुआ था। देखिए, तमाम जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके जहाँ बैठने की जगह है उसके ठीक आगे जो पट्टी होती है नाम वाली, वहाँ पर उनके देश का नाम लिखा होता है। पहले जब नरेंद्र मोदी कहीं बैठते थे कि सम्मेलन में तो वहाँ पर इंडिया लिखा रहता था, लेकिन आज की इस पट्टी में भारत लिखा हुआ था। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इन दिनों चर्चा हो रही है, कमेटी भी बन चुकी है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, और उसके बाद अब चर्चा हो रही है इंडिया और भारत को लेकर, क्योंकि G20 सम्मेलन में जिस तरह से आमंत्रण भेजे गए हैं तमाम अतिथियों को उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। तो क्या अब देश का नाम बदलने वाला है? हमारा देश भारत देश ही रहेगा? इंडिया शब्द अब खत्म कर दिया जाएगा? संशय बरकरार है, पार्लियामेंट का विशेष सत्र भी बुलाया गया है, लेकिन साल 2022 फरवरी के महीने की हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विष्णु पुराण में क्या लिखा हुआ है इसको लेकर, भारत को लेकर क्या कहा था, अपने भारत की गौरव गाथा कैसे कही थी संसद में, कांग्रेस को क्यों इससे दर्द होता है ये भी कटाक्ष किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहे हुए वो शब्द, क्या आज सत्य होने वाले हैं अगले कुछ दिनों में? अब भारत देश है हमारा, इंडिया नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहे थे, जरा सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्र कोई सत्ता या सरकार की व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए राष्ट्र एक जीवित आत्मा है। और इससे हजारों साल से देशवासी जुड़े हुए हैं और जूझते रहे हैं। हमारे यहां विष्णु पुराण में कहा गया है, ये किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखा है, विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रयश्चैव दक्षिणम् वर्ष तद् भारतम् नाम भारती यत्र संतति। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। विष्णु पुराण का ये श्लोक अगर कांग्रेस के लोगों को स्वीकार्य नहीं है तो मैं एक और कोट इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि कुछ चीजों से आपको एलर्जी हो सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है, फरवरी महीने की ये वीडियो है, साल 2022 की वीडियो हमने आपको दिखाई है, क्या कुछ नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए देश की संसद में कहा था आपने सुना है, और संसद का विशेष सत्र भी बुलाया गया है 18 सितंबर से 22 सितंबर तक। 18 सितंबर को पुराने वाले संसद में ही सत्र शुरू होगा और उसके बाद फिर 22 सितंबर को जो नए वाले संसद भवन जो बनकर तैयार हुआ है उसमें सभी जो सांसद हैं वो बैठेंगे, उस समय भी जो चर्चाएं होंगी उससे तो हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 के सम्मेलन में मौजूद थे तो उन्हें सभी देश के जो प्रतिनिधि आए हुए थे, विदेशी मेहमान थे, उन सभी से एक भविष्य की बात की है, एक तरह से सबको सब चले सभी साथ चले इसकी बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काफ़ी कुछ कहा है G20 के सम्मेलन में, रात्रि भोज भी होना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है भारत देश को लेकर, भारत की महिमा को लेकर, भारत की गौरव गाथा को लेकर जो विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, इसे शायद विपक्ष के लोग स्वीकार नहीं करते, हमने आपको सुनाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।